नेकेन टीच के साथ मैं आपकी टीचर न्यू वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक छोटा सा प्यारा सा डेकोरेशन पीस बनाना। डेकोरेशन पीस बनाने के लिए आपको जिन मटेरियल्स की जरूरत होगी वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताती जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक कार्डबोर्ड पीस और एक कलरफुल शीट। उसको इस तरह करके आप एडजस्ट कर लें और फिर उसको पेस्ट कर लें। ये हो गया है हमारा पीस रेडी। अब हमें इसकी करनी है कुछ डेकोरेशन। उसके लिए हमें चाहिए होंगे इस तरह के 4 पीसेस इक्वल साइज के रेडी करने हैं। अब हमें इसकी फिर से पेस्टिंग करनी है ऐसे। इसकी बैक साइड से भी इसको पेस्ट कर देना। इस तरह से आपने इसको रेडी कर देना है। ये देखिए इस तरह का आपको एक बॉक्स चाहिए होगा और पेंसिल स्केल। अब आपने इसको 3 इंच पे रख के मार्क करना है। इस तरह और इसकी कटिंग कर लेनी है। पेपर कटर यूज करते हुए आपने इसकी कटिंग करनी है। अब आपको चाहिए होगी इस तरह की एक कलरफुल शीट। आपने इसको इधर पेस्ट करना है बॉक्स के ऊपर। शीट की आपने कटिंग करनी है बॉक्स के मुताबिक तो ज्यादा अच्छा होगा ऐसे करके। बॉक्स को ऐसे करके आपने डेकोरेट करना है। मैंने इस तरह की एक स्ट्रिप ली है, आप भी ले सकते हो। अब हमें इसको पेस्ट करना है इसके टॉप पे। इस तरह से आपने बॉक्स को कर लेना है रेडी। अब हमें इस वाले पीस के कुछ और डेकोरेशन करनी है ताकि ये ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। उसके लिए आपको चाहिए होंगे इस तरह के कुछ स्ट्रिप्स, पेपर स्ट्रिप्स। ये
ये देखिए पीसेस हमारे हो गए हैं रेडी। चलें अब इसकी डेकोरेशन करते हैं। अब हमें करनी है इसकी पेस्टिंग। आपने एक स्ट्रिप को लेना है और यहाँ पे रखकर उसको पेस्ट कर देना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए इस तरह की मजीद नई नई वीडियोस लाती रहूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमने इन तीन साइड्स पे पिंक कलर लगाया है, अब हमने आगे पर्पल कलर लगाना है। मैं पिंक और पर्पल लगा रही हूँ, आप कोई भी अपनी फेवरेट कलर लगा सकते हैं। अब हमने बॉक्स को यहाँ पे से एडजस्ट कर लेना है। आप इसको देख लें, ये हमने बॉक्स को पेस्ट कर लिया है। अब हमें चाहिए होगा इस तरह का वूल थ्रेड का पीस। हमें बनाना है उसका लूप और इसको बैक साइड पे पेस्ट कर लेना है ऐसे करके। साइज और कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक आइडिया देती हूँ, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, आप आराम से करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऑलमोस्ट हमारा डेकोरेशन पीस हो गया है रेडी। आप इसको अपने रूम की वॉल पे हैंग कर सकते हैं और इसके अंदर फ्लावर्स भी लगा सकते हैं या आप इसको पेन होल्डर में भी यूज कर सकते हैं, योर चॉइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।